श्री साईं बाबा ईश्वर के अवतार हैं, जो उनके सामने नतमस्तक होकर उनके शरणागत होगा उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करेगा, उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, उसे सदैव श्री साईं बाबा के चरणों का स्मरण रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और इस प्रकार वह निष्काम बन जाएगा। श्री साईं बाबा के भक्त उनको अलग अलग रूपों में देखते हैं। कोई बाबा को माँ रूप में देखता है तो कोई पिता रूप में, कोई बंधु तो कोई सखा रूप में। ऐसे ही एक साईं भक्त ने श्री साईं बाबा से जुड़ा अपने जीवन का अनुभव हमारे साथ साझा किया। ओम साईं राम। ओम साईं राम। सारे साईं परिवार को मेरा प्रणाम। मैं राजीव महाजन लुधियाना से। अगर हम बाबा की बात करें तो मैं ये ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि बाबा का जितना उपकार, जितना आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं आपको बताऊँगा कि बाबा ने मुझे अपने किसे अपने साथ जोड़ा। बाबा ने कई बार ऐसा साइंस दिए थे कि मैं बाबा के साथ जुड़ूँ या बाबा की साई संध्या में जाता था, लेकिन उस वक्त ये महसूस होता था कि साई संध्या में भजन चल रहे हैं, लोग बैठे हैं, लेकिन ये मन में सोचता था पता नहीं क्या ये साईं साईं करते रहते हैं, साईं है क्या। लेकिन अगर आप साईं चित्र पढ़ते हैं तो बाबा के 28वें अध्याय में एक 3 चिड़िया का वर्णन किया गया है कि बाबा का भक्त कहीं भी हो, बाबा उसको अपने पास खींच लेके आते हैं। वैसे ही मैं समझता हूँ कि बाबा ने मुझे अपने साथ जोड़ना था। वो कैसे कैसे बाबा ने लीला की, बाबा ने कैसे अपने साथ जोड़ा, आज मैं अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकता कि बाबा के बिना मैं एक श्वास भी ले सकता हूँ। बाबा ने किस तरह से जोड़ा, अहमदनगर में MIRC सेंटर में अपनी कंपनी की तरफ से डिप्यूटेड था। 3 दिन बिल्कुल सैटरडे संडे और फ्राइडे, ये 3 दिन बिल्कुल फ्री होता था। गोवा, औरंगाबाद, ये अजंता, इलोरा सब घूम के आ गया। शाम को होटल में बैठा, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। तो जब इस होटल में मैं था तो उसी होटल वाले कहा कि जाओ शिरडी हो किया। शिरडी बाबा का नाम जरूर सुना हुआ था, लेकिन बाबा के बारे में मुझे ABC भी नहीं पता था। ये सुना था कि शिरडी के साईं बाबा जी हैं, उनका बहुत प्रचार था, लेकिन मेरे को बाबा की ABC भी नहीं पता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। चलो यही सोच के कि चलो बाबा के पास वहाँ जाएंगे, मंदिर में जाके जैसे रूटीन में मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके बाबा के साथ मिलके वहीं से शाम को अपना टाइम पास करके आके आ जाऊँगा। गया था तो मैं टाइम पास करने के लिए, लेकिन बाबा ने जैसे वही चिड़ियों का वर्णन है, बाबा ने इस तरह से मुझे खींचा कि गया था मैं टाइम पास करने के लिए, लेकिन वहाँ बाबा का ही होके रह गया। वहाँ का मैं आपको वर्णन बताता हूँ, ये 1990 की बात है। जैसे ही बाबा के मंदिर के अंदर मैं गया, अभी तो बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, वहाँ पे बिल्कुल रोड थी, बाबा का समाधि मंदिर का दरवाज़ा सभी भक्तों के लिए खुला रहता था। इधर बाबा के जैसे ही बाबा के घर के अंदर, मैं बाबा का मंदिर नहीं कहता, बाबा का घर कहता हूँ, जैसे हमारी द्वारका माई धाम लतों में है, लुधियाना में, ये भी बाबा का घर है, क्योंकि आदमी कहीं भी चला जाए शाम को अपने घर ही आता है। ये ऐसे बाबा है, यहाँ हर वक्त विराजमान है। जैसे मैंने समाधि मंदिर के अंदर पैर रखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ, अपने आप में आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो सज्जन मेरे पीछे खड़े हैं, अगर ये फूंक में मरेगा तो मैं उड़ जाऊँगा। जैसे शरीर मेरा ख़त्म हो गया, सिर्फ आत्मा अंदर जा रही है। जैसे मैं स्टेप लेता हूँ, 1-2 कदम आगे चलता हूँ, ऐसे लगता है कि हवा में चल रहा हूँ। चंद सेकंड के मुझे डर भी लगा, यार कैसी जगह पे आ गया, तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, आपने कुछ चोटी काटी कुछ महसूस नहीं हुआ, पैर जोर से जमीन पे मारा कुछ महसूस नहीं हो रहा। जैसे ही अंदर जाता हूँ, दाएं हाथ घूमता हूँ, बाबा की आदमकद मूर्ति, तब उस वक्त चांदी का सिंहासन था बाबा का। जैसे बाबा की तरफ मिला, चंद कदम आगे चला हूँ, तो वहाँ के जो सेवादार थे उन्होंने रोक लिया, कहते जी आप मध्याह्न आरती होगी, उसके बाद फिर आप दर्शन शुरू हो जाएंगे, आगे चलते रहेंगे। यकीन मानिए
बाबा की आरती, अभी मेरे को चारों आरतियाँ आती हैं बाबा की कृपा से। बाबा के मंदिर में आरती की स्पेशल ड्यूटी भी लगती है कि आरती गाने के लिए, बड़ा एक आनंद आता है। लेकिन उस वक्त जब मैं पहली बार बाबा के मंदिर में गया, मुझे आरती की ABC भी नहीं पता चली कि क्या गा रहे हैं, क्या उसका भाव है, क्या मैं बाबा का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो एटमोसफियर था वहाँ पर, कोई तबला बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई झूम के आरती गा रहा है, वो जो सीन था उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन बाबा की कृपा होनी थी, मैंने वहाँ पहुँचना था, बाबा की आरती अटेंड करनी थी, वहाँ पर आरती अटेंड की। जो घर से सोच के गया हुआ था कि चलो ये मंदिर में जा रहा हूँ, ऐसे चढ़ावा चढ़ा के वैसे गोलक लगी हुई थी, जो मन में सोचा था वैसे वहाँ पे गोलक में डाल के बड़ा साष्टांग लेट के प्रणाम किया। लेकिन जब आरती चल रही थी तो बाबा से जो एक तालमेल बना, क्या तार जुड़ी है ये बाबा ही जानते हैं। बाबा की आरती पूरी हुई, साष्टांग लेट के प्रणाम किया, जैसे बाहर निकलने लगा मंदिर से, जैसे बाबा का आदेश हुआ कि अभी रुक जा। मैं अंदर गया, बाबा किस बाहर जाते थे फिर अंदर आया, मेरा हाथ ऐसे बाबा की समाधि की तरफ गया। जब पंडित जी वहाँ पे थे, उन्होंने एक फूल गुलाब का मुझे बाबा की समाधि से उठा के दिया। उस वक्त मेरे जेब में एक लाल रंग का रुमाल था, मैंने वो फूल उसी तरह से बाबा का उसमें डाला। ये 1990 की बात है, वो गुलाब का फूल उसी रुमाल में आज भी मेरे पूजा घर में, मेरे घर में है। और जब से वो फूल मेरे घर में आया या बाबा का ऐसा आशीर्वाद मुझे मिला है, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मेरा जो पास्ट है वो बहुत कम लोगों को पता है कि मैं क्या था। सिंपली एक रिक्शा पुलर था, मैंने रिक्शा चलाई है, मंडी में मजदूरों की तरह काम किया है। लेकिन आज अगर मैं अपना पास्ट देखता हूँ और आज का दिन देखता हूँ, मेरा रोंग रोंग शुक्राना करता है बाबा का। इतनी कृपा बाबा की, 1990 से बाबा से जुड़ा, ऐसी कृपा ऐसी बरसती है बाबा की। मैं ये समझता हूँ कि मेरी झोली छोटी है, लेकिन बाबा की रहमतों में कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ बाबा के साथ जुड़ने की। वो आरती बाबा की अटेंड करने के बाद, जब मैं वहाँ से अहमदनगर अपने होटल में वापस आया, उसके बाद भी कई साल तक मैं ये महसूस करता रहा कि जब से मैं शिरडी बाबा के मंदिर से होके आया हूँ, चाहे वो खुशी का मौका है, चाहे मेरे लिए कोई मुश्किल का समय था, मैंने एक एक्स पावर अपने साथ महसूस की। उसको साईं कहूँ, एक ज्योति कहूँ, वाहेगुरु कहूँ, अल्लाह कहूँ, वो बाबा जानते हैं। लेकिन उसके बाद एक एक्स पावर मैं अपने साथ हमेशा महसूस करता रहा। कुछ समय ऐसे भी आया कि बहुत मुश्किल में था, बाबा ने ऐसे मुझे उस मुश्किल से निकाला, या बाबा जानते हैं या मेरी अंतरात्मा जानती है। उसके बाद बाबा के साथ जुड़ाव होता चला गया। मेरे एक मित्र ने एक तब कैसेट चलती थी साईं रिश्ता, मुझे एक कैसेट दी। वो साईं रिश्ता कैसेट को सुनने के सुबह शाम को वो लगाते थे, जब एक अजीब सा लगाव बाबा के साथ होता चला गया। बाबा जैसे अपने भक्तों, वैसे साईं चित्त भी आप पढ़िए, बाबा कहते हैं कि अगर मेरा भक्त हजारों मील दूर भी है तो भी मैं उसकी रक्षा करता हूँ। वो बड़ा शायद एक जुड़ाव, एक साईं परिवार का जो बाबा का जुड़ाव है वो महसूस करते हैं। अभी यहाँ साईं द्वारका माई धाम लुधियाना में मेरा जुड़ाव कैसे हुआ, यहाँ पे इनके ट्रस्टी हैं, जो अपने को ट्रस्टी नहीं कहते, सेवक कहते हैं, उनसे एक मुलाकात हुई। वो उन्होंने कहा कि हम एक शिरडी के लिए यात्रा लेके जा रहे हैं, अगर आप चलोगे तो ठीक है जी, ज़रूर चलेंगे। तो उन्होंने कहा जी, उसका हमने मिनिमम से चार्जेस दिए रखे हुए हैं, लगभग 2200 रुपया, अगर आपने जाना हो तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मंदिर का निर्माण चल रहा था, तो वहाँ पे एक मैसन और उसकी मिसिज जो कुली का काम कर रही थी, वो मैसन के मुँह से निकलेगा साहब, मन जाने का मन तो हमारा भी बहुत करता है लेकिन पैसे बहुत लगते हैं। तो मैंने उन जो ट्रस्टी थे उनको कहा कि आप इनको लेके जाओ, सेवा मेरी लगा दो। आप यकीन मानिए, मुझे इतना नहीं पता कि वो गए कैसे, आया उनका, जब उनको क्या महसूस हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी अंतरात्मा को इतनी संतुष्टि हुई। बाबा ने उसके बाद इतना दिया है कि मेरा ख्याल है कि मेरी झोली छोटी है, बाबा की रहमत में कोई कमी नहीं है। उसके बाद साईं द्वारका माई धाम का 15 अक्टूबर 2012 को जहाँ मैं भूमि पूजन हुआ, वो एक ऐसा वाकया था। मेरी मदर हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर्स ने लगभग जवाब दे दिया था, उनको हम घर ले आए कि लास्ट मोमेंट्स हैं, आप इनको घर में रखिए। 15 तारीख को बाबा की सेवा में लगा हुआ हूँ, मिसिस का फ़ोन आता है कि आप जल्दी घर आ जाओ, माता जी की तबीयत ठीक नहीं है।
आधा भूमि पूजन मन तो नहीं था, लेकिन गया वहाँ पे, घर में गया। 18 तारीख को मेरे माता जी का स्वर्गवास हो गया। वो एक ऐसा मोमेंट था, मुझे अपनी माँ का जाने का आज भी उतना, मैं उनकी बहुत कभी महसूस करता हूँ आज भी, लेकिन उस वक्त मेरे मन में जो बाबा ने एक बात बिठाई, जहाँ मेरी माँ का कुछ आशीर्वाद था, उन्होंने ये कहा कि ये द्वारका माई है। आप अगर सही चित्र पढ़ते हैं तो 22वें अध्याय में बाबा ने लिखा है, ये द्वारका माई है, ये सबकी माँ है, जो इसकी गोद में बैठता है ये द्वारका माई, ये माई मस्जिद माई उसके सब दुख दरिद्र दूर कर लेती है। और ऐसा कौन कर सकता, सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। मेरी माँ चली गई बाबा के चरणों में, लेकिन आज मैं ये महसूस करता हूँ कि वो एक गोद चली गई, ये दूसरी गोद मेरे को मिल गई, ये बाबा की गोद है। ये वाकई जब हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, महसूस करते हैं बाबा से अपना जुड़ाव, तो ऐसे वाकई में लगता है ये हम द्वारका माई नहीं, बाबा की, बाबा को माँ के रूप में मानते हुए हम बाबा की गोद में बैठे हुए हैं। इतना सुकून, इतना एक, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि जो हमें जो खुशी या जो एक आत्मा की संतुष्टि इस द्वारका माई धाम में बाबा की गोद में बैठ के आती है, जैसे शिरडी में आती है। हम जब भी शिरडी जाते हैं अपने परिवार के साथ, ग्रुप के साथ या किसी मित्रों के साथ, तो कोशिश ये होती है कि रात को 12:30 बजे हम द्वारका में चले जाएं और सुबह वहीं पे बाबा की आरती अटेंड करते हैं, बाबा का स्नान देखते हैं, 6:30 बजे वहाँ से आके समाधि मंदिर में माथा टेक के फिर अपने जैसे भी जो दिन के काम होते हैं करते हैं। ये तो है बाबा के साथ लगाव। दूसरी बात, उसके साथ साथ बाबा ने, जो भी बाबा के साथ जुड़ता है, मैं सभी से एक बात कहता हूँ, चाहे आप बाबा के जो जुड़े हुए बच्चे हैं, जो बाबा के साई परिवार है, चाहे उसमें आप एक आदमी से मिलिए, 10 से मिलिए, 100 से मिलिए, 1000 से मिलिए, चाहे लाखों आदमी से मिलिए, जिस भी आदमी को आप मिलोगे जो बाबा से जुड़ा हुआ है, आप उसकी जब बात सुनेंगे तो हर आदमी का अपना अलग से एक्सपीरियंस होगा कि वो बताएगा आपको कि जब वो बाबा से जुड़ा है उसके ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में बाबा ने उसकी मदद की है, और किस तरह से की है, कि बाबा जानते हैं या वो बच्चा जानते हैं। हमारे लिए तो बाबा एक है, लेकिन बाबा के करोड़ों भक्त हैं। लेकिन जब बाबा के किसी भी बच्चे को ज़रूरत महसूस होती है, तो यकीन मानेगा, ये मेरा विश्वास है, बाबा को अपने एक एक बच्चे का ध्यान होता है कि कोई एक, हम करोड़ों में हैं लेकिन हमारे लिए बाबा एक है, पालनहार हमारे एक है, तीनों लोक के स्वामी एक है, लेकिन बाबा को हमारे एक एक बच्चे का ध्यान होता है। इस द्वारका माई धाम में मुझे जुड़े हुए 2012 से 6 साल हो गए। यहाँ का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे बात पंडित जी, ऋषि पंडित जी हैं, मैंने उनसे एक विनती की लगभग 4 साल पहले, क्योंकि साइंस चित्र जब पढ़ते हैं तो मालसापति जी और तांत्या जी जो बाबा के साथ सोते थे, बाबा के मुखारविंद से निकलता था कि हमारा जो अगर दिल भी धड़कता है तो वहाँ पे भी उसके बाबा का, भगवान का गुणगान होना चाहिए, तो एक दूसरे को उठा देते थे कि कहते कहीं मेरा जाप ना रुक जाए। तो मैंने पंडित जी से, ये मेरा ख्याल है कि आज मैं पहली बार सभी से शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे और पंडित जी के बीच की बात है। पंडित जी से मैंने बोला कि ऐसा कि मानसिक जाप हम शुरू करते हैं, जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ एट दिस मोमेंट भी, तो एक मानसिक जाप वो अंदर चल रहा है, साइन साइन साइन, ये एक बहुत अभ्यास से हुआ है। मैं नहीं कहता कि मैं वहाँ पूरे अभ्यास में कामयाब रहा हूँ, हो सकता है कि वो अभ्यास कहीं ना कहीं मेरा छूटता होगा, लेकिन यकीन मानिए जो बाबा के साथ जुड़ते हैं, अगर आप उसके अभ्यास भी करते हैं, और इसका एक्सपीरियंस मैंने ही नहीं, मेरे परिवार ने किया, जो अर्ली मॉर्निंग होती है, एक आवाज़ गूंजी है घर में साईं करके, तो मेरे एकदम परिवार ने भी सुना कि ये आप, ये आवाज़ कहाँ से आई, ये बाबा की चमत्कार, बाबा के होते हुए भी होते थे, उनके बाद में भी होते हैं, आज भी हम बाबा के अपने साथ महसूस करते हैं। इसी द्वारका माई धाम में जब ये मूर्ति स्थापना नहीं हुई थी, बाबा का एक स्वरूप, तो जैसे जो बाबा का पहले स्वरूप था, अभी जो प्रयाण कक्ष है उसमें बाबा की पूजा होती थी, मैं उस वक्त सुबह, जैसे अभी भी रूटीन है, सुबह 4:30 बजे बाबा के घर में पहुँच जाता हूँ, उनका कुछ सेवा चावड़ी में और दूसरे मंदिर में करके, और अपने घर में पहले बाबा का आरती करके बाबा को भोग लगा के फिर मैं यहाँ 4:30 बजे आता हूँ। ये बाबा की एक असीम कृपा का एक उदाहरण है जो बाबा ने, मैं समझता कि मुझे दी है। अब मैं आपको बाबा की मूर्ति स्थापना से पहले का जो बाबा ने
कैसे एक्सपीरियंस देते हैं अपने होने का। मैं जैसे मंदिर का द्वार बाबा से प्रार्थना करके बाबा को कहा कि हम पहले दर्शन के लिए आ रहा हूँ बाबा, दरवाज़ा खोला है, अंदर गई, बाई सांस जो अखंड जोत जलती थी वहाँ पे वो ठंडी थी। जैसे ही माजिद से वो जोत जलाई है, कम से कम 6 या 7 फुट की दूरी पे बाबा की वो घंटी पड़ी हुई थी, वो घंटी अपने आप बजी। ये मेरे को पहला एक्सपीरियंस था जो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ कमरे में कोई है, लेकिन बाबा वही जानते हैं। क्योंकि बाबा ये तो है नहीं कि बाबा साक्षात मेरे पास आ जाएंगे, मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, बिठाया भी है इसमें कोई दो राय नहीं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास कि बाबा अपनी गोद में बैठा के कितना प्यार करते हैं। लेकिन उस वो जो घंटी का बजना, उस बाबा, मैंने उनको बाबा को नमन किया, फिर अपने रूटीन में चला गया। और इसी तरह से एक दिन जैसे द्वार के पास पहुंचा हूं, मुझे ऐसे लगा कि अंदर कोई सज्जन मेरे से पहले आके अंदर पाठ कर रहे हैं। और ये नहीं कोई वहम था या मन में कुछ ऐसी कोई चल रहा था बातचीत, बड़ी क्लियर आवाज़ थी, वो वैसे ही जाप था जो मैं मानसिक जाप करता हूँ। सर मैं राम नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, सिर्फ साईं। बाबा के साईं चित्र के 3रे अध्याय, 10वें अध्याय और 13वें अध्याय में बाबा ने अपने मुखारविंद से कहा है कि अगर आप साईं साईं का ही सिमरन करोगे तो मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्त कर दूंगा। कितना आसान है, देखिए क्या है, दो शब्द साईं, साचा ईश्वर, अगर इसका व्याख्या करें साचा ईश्वर, और बाबा ने उसको भी शॉर्ट कर दिया साईं। ये साईं का एक जाप जो है आप कभी भी करके देखिए, कितनी भी मुश्किल में हो, ये मेरा विश्वास है बाबा के ऊपर, आप कभी एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। बाबा का अगर आपने दिल से एक बार भी नाम ले लिया, बाबा की तार एक सेकेंड के लिए भी आपसे जुड़ गई, तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे ये बाबा जानते हैं या वो बच्चा जानता है। जैसे मैं एक लेबर क्लास का आदमी जिसको मैं अपने स्ट्रगल पीरियड की बात बता रहा हूं, मैंने वो दिन देखे हैं जब मुझे कोई अपने पास में बिठाता था। आज बाबा की कृपा है, ऐसी है, मैं लाखों नहीं करोड़ों पति आपके साथ बैठ के उनसे बात करता हूं। ये दिन मुझे बाबा ने दिखाए, इससे बड़ा चमत्कार कहते हैं जो तन लागे वो तन जाने। जिस आदमी के साथ जो एक्सपीरियंस होते हैं वही जानता है कि बाबा का क्या स्वरूप है, क्या उनका आशीर्वाद है, कैसे उनकी कृपा बरसती है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी झोली छोटी है लेकिन बाबा की रहमतों में कोई कमी नहीं है। बाबा के साथ जुड़ना, बाबा के साथ मिलना, ऐसे द्वारका माई धाम, यहाँ इतने अच्छे लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं जिनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब उनका फ़ोन आता है कि महाजन ये काम करना है, कल से तेरी ड्यूटी इसके ऊपर है, कल से तू वहाँ पे जो है ऑफिस में तू ड्यूटी करेगा, कल से तू द्वारका माई धाम के दरबार में ड्यूटी करेगा, कल से तेरी ड्यूटी। कितना अच्छा लगता है कि बाबा आपने इतनी कृपा की, जो लोग मेरे को पास भी नहीं बिठा के राजी थे आज मेरे को बुलाते हैं। दूसरी बात कि जब बाबा के नाम से नाम जुड़ता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। हमारे यहाँ लुधियाना में सेशन जज के रीडर हैं, मेरे बड़े मित्र हैं, मैंने उनसे एक बात वैसे शाम को फ़ोन किया तो वो उनका जवाब हाय हेलो की बजाय बल्कि ये है, अरे महाजन जा तेरी उम्र बड़ी लंबी है, तेरे को याद ही किया था भाई। चलो ठीक है भाई, मैं अपने बात तो बाद में करूंगा, जिसने फोन किया पहले तू बता तूने कैसे याद किया मेरे को। कहता मैंने टीवी ऑन किया, बाबा का प्रोग्राम आ रहा था साईं बाबा का, तो मेरी तेरी याद आ गई। अरे इससे बड़ा इनाम क्या होगा कि कहीं बाबा का नाम आए और उसके साथ आपका नाम जुड़ जाए, इससे बड़ा दुनिया में कोई इनाम हो ही नहीं सकता। जिस परम पिता परमेश्वर का कहीं नाम आए, जैसे हम भाईजा मां को, मांसापति जी को, श्यामा जी को याद करते हैं, कितना आनंद उनके परिवारों से जाके मिलने के लिए आता है। अगर उनके जो आगे वंशज हैं उनसे मिलते हैं, जो परिवार जो शिरडी में थे उन परिवारों ने बाबा की साक्षात सेवा की, बाबा से मिले, बाबा से लड़े, बाबा से झगड़े, बाबा उसके साथ बैठ के उन्होंने बाबा को साक्षात देखा, बाबा की पूजा की, जो नहीं उनको पसंद करते थे वो बाबा से लड़ते भी थे। मैं कहता हूँ वो भी बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनको ऐसा मौका मिला कि बाबा से लड़ने का भी, लड़ते हम किससे हैं, जिसको अपना कहते हैं, जिसको अपनापन होता है उसी से लड़ते हैं। क्या भाग्य था उन लोगों का
मैं आज की डेट में जो बाबा के साथ जो जुड़ाव महसूस करता हूँ, मैंने सुब्रन टाइम्स में अंजू टंडन जी से एक बात की थी, मैंने मैडम को ये कहा था कि मैडम अगर साइंस ने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया कि जिससे आप अपना पास्ट अपना पिछले जन्म देख सकते हो, मैं ये दावा करता हूँ कि जितनी कृपा जो आशीष मुझे बाबा का मिला है, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मेरा किसी ना किसी रूप में जिस वक्त बाबा शिरडी में थे मैं वहाँ था। अब किस रूप में था बाबा जाने, लेकिन जो जुड़ाव जो अपनापन जो आत्मिक जो रिश्ता बाबा के साथ मैं महसूस करता हूँ, मेरे को ये पक्का विश्वास है उस वक्त जो बाबा ने मुझे अपने साथ जोड़ा, कहाँ से कहाँ पहुँचाया ये बाबा ही जानते हैं। लेकिन आज भी मैं महसूस करता हूँ कि मेरा जुड़ाव बाबा से बाबा के टाइम पे, बाबा के जब शिरडी में थे तब से है। अब ये किस रूप में था ये बाबा ही जानते हैं। उसके आगे अब यहाँ सुबह 4:30 बजे बाबा की आरती से पहले, बाबा की आरती से आधा घंटा पहले हम पहुँच जाते हैं। यकीन मानिएगा जब पूजे बाद पंडित जी दरवाज़ा खोलते हैं अपने मंत्रोच्चारण से, क्योंकि बाबा को रात को शयन कराया होता है, वो मंत्रोच्चारण करते हैं, बाबा के द्वार खोलते हैं, जैसे बाबा का जो पहले दर्शन, जो बाबा का जो चदर है, जो उनका जाली है वो उतारते हैं, यकीन मानिए उस वक्त ऐसा लगता है कि बाबा के साथ बैठ के बातें कर लें। क्या रूप, क्या बाबा का स्वरूप होता है, इतना आनंद इतना जुड़ाव मैं तभी महसूस कर सकता हूँ अगर बाबा का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और इसमें कोई द्वारा नहीं, कई लोग मुझे कहते हैं कि यार तेरे को बाबा की बड़ी शिक्षा, मैं मान के चलता हूँ। और मैं कहता हूँ जो आदमी ये कहता है कि तेरे के ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, उसी वक्त मैं उसको कह देता हूँ कि यार मैं दुआ करता हूँ कि तेरी जुबान पर सरस्वती बैठी हो, तू जो दुआ दे रहा है जो शुभकामना मुझे दे रहा है वो मुझे मिल जाए। और बाबा का जुड़ाव होना, बाबा से जुड़ना आप कभी महसूस कीजिएगा। आप चाहे बाबा को इतनी गहराई से मत देखिए कि बाबा के स्वरूप को, बाबा के जो आपका फोटो भी अगर नज़र आ जाती है, एक बार उसको प्रणाम करके देख लीजिएगा, आप खुद महसूस करेंगे आपका किया हुआ प्रणाम बाबा तक पहुँचता है। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।